हम लोग ने एक एक वड़ा ले लिया ताकि पेट भर जाए, क्योंकि ब्रेकफास्ट नहीं करा था। और अगर ब्रेकफास्ट नहीं करते और लिखने बैठते तो वैसे कुछ भी नहीं लिखा जाता। ऊपर से हम तो आज का रियूनियन और सरप्राइज हो चुका है रिवील, तो यही चीज था। खुशी ऐसे बोलती कि नहीं नहीं तू प्रैंक कर रही है, प्रैंक के लिए लेके जा रही है। मैंने कहा इतनी दूर में तेरे को चलवा के प्रैंक ले क्यों लेके जाऊंगी करके। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। अब आप लोग सोचोगे प्रिया ये व्लॉग का स्टार्ट तू कहाँ टेरेस से कहाँ कर गए, तो हाँ मैं रेडी वेडी हो चुकी हूँ एग्जाम के लिए। देखिए मैंने वही वाला कुर्ता पहना, आप लोगों को पता ही ये वाला देखा ही होगा। और मैं आई थी ऊपर कपड़े सुखाने, तो अभी जब सुबह सुबह नहाया, नहा धो के तो फिर कपड़ा धो लिया था कल जो पहना था, तो वही सुखाने आई थी। और इतना अच्छा मौसम हो रहा है ना, हाँ बस ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ज़्यादा धूप भी नहीं है, वरना अभी तो आएगी धूप जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे। तो अभी फटाफट नीचे जाते हैं, अभी टाइम है, थोड़ा बैठ के रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद फिर निकलेंगे बस के लिए। तो हम लोग एग्जाम सेंटर पहुँच चुके हैं, आज बहुत ही ज़्यादा लेट पहुँचे हैं क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। तो हम लोग ने एक एक वड़ा ले लिया ताकि पेट भर जाए, क्योंकि ब्रेकफास्ट नहीं करा था। और अगर ब्रेकफास्ट नहीं करते और लिखते बैठते तो वैसे कुछ भी नहीं लिखा जाता, तो वड़ा ले लिया। अभी खाते खाते जा रहे हैं अंदर। कैसा गया पेपर? एग्जाम से डायरेक्ट रॉयल मार्ट आ गए थे और इतना ज्यादा कुछ ले लिया है, अब देखते हैं कब बनता है ये। भर रहे हैं अभी बैग में सब, पास्ता, मैगी नहीं है, मैगी तो ऑलरेडी ले रहा हूँ। अचार इसको हाथ में पकड़ रहा, ये बैग ब्रेड भी, ब्रेड ऊपर से बन गया। तीन फ्लोर तो चढ़ा ही चढ़ा दोनों ने, दोनों की हालत डाउन। ऊपर से हम आधे रास्ते तक ऑटो में आए, उसके बाद चल के आए, बस हो गई मैं पतली, हो गए हम दोनों पतले। फिर दूध चढ़ा के हम लोग टीवी देखने में व्यस्त हो गए थे, बट मेरे को अचानक से ध्यान आया कि दूध चढ़ा हुआ है प्रिया करके, तो फिर मैं दौड़ गई थी। वो तो अच्छी बात है, लो ही था तो ज्यादा कुछ नहीं हुआ, वरना तो फिर वॉल्केनो इरप्शन हो जाता। तो कैसी लग रही हूँ? लग रही हूँ ना कि बिल्कुल नींद से उठ के बैठ गई हूँ, करेक्ट बिल्कुल नींद से उठ के बैठ गई, तभी मेरे बाल इधर उधर जा रहे हैं। और मैंने ये वाला जो क्लिप था वो भी नहीं खोला, तो हम लोग थोड़ा रेस्ट ले लिया। मतलब हम लोग बैठे बैठे टीवी वीवी देख रहे थे हम लोग, उस समय बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं था। अभी अब ऐसा है कि एक ही दिन की छुट्टी है और फिर पेपर है, तो कल ही छुट्टी है और उसके बाद फिर पेपर है, और जो नेक्स्ट पेपर है उसका हमको कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं आता। वो वही क्लास है जिसमें मैं हमेशा सो जाती थी, और उस सब्जेक्ट की क्लास मैंने सिर्फ दो बार अटेंड करी है और दोनों बार मैं सोई हूँ, क्योंकि मेरे को इतनी गंदी नींद आती थी, इतनी ज्यादा जिसकी कोई हद नहीं। मैं कंट्रोल भी कर लू ना अपने आप को, बैठ भी जाऊं, सर को फाड़ फाड़ के देख भी लू ना, बट मेरे से बिल्कुल नहीं। और मैं दोनों क्लास में जो खूब सोई थी ना, और मैं आगे ही बैठी थी, फर्स्ट बेंच पे बैठूंगी, उनके सामने और उन्हीं के सामने सोऊंगी, वो मेरे को कुछ बोले ही नहीं दोनों क्लास में। मैं दोनों क्लास में खूब सोई हूँ और मेरे को नहीं पता कि ये सब्जेक्ट में क्या करना है, क्या है क्या नहीं, बट कुछ नहीं। सब्जेक्ट का नाम है आर्ट एप्रिसिएशन। हम है लोग क्रिएटिव, बट हम लोगों को कुछ भी नहीं आता इसके बारे में, कुछ भी नहीं। उनने हमको दे तो दिया है क्वेश्चन आंसर्स, दे मतलब क्वेश्चन आंसर्स नहीं दिया है, क्वेश्चन बैंक दे दिया है। अब बैठना है और हम लोगों को सारे आंसर्स ढूंढने पड़ेंगे। हम लोगों को मतलब बिल्कुल भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, पता नहीं क्या करने वाले हैं ये सब्जेक्ट में। किसी को कोई आइडिया नहीं, किसी को कोई नहीं, मतलब कोई भी नहीं। या तो हम पढ़ लेंगे या तो हमारा एप्रिसिएशन हो जाएगा पेपर में, बता रही हूँ, हमसे ना हो पाएगा ये आर्ट एप्रिसिएशन। एक तो बताऊँ बिल्कुल लास्ट में ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया हमको, ना ए पता है, ना पी पता है, ना कुछ पता है हमको, पता नहीं क्या होगा यार। सोच रहे हैं बस अभी हम कैसे क्या पढ़ना है, क्योंकि ना हम लोगों के मेन सब्जेक्ट दो ही हैं और बाकी सब तो एड है, बे है सारे। किसी का ना टांग है, किसी ना बेसर पैर की बातें कर रहा हूँ ना, बेसर पैर की सब्जेक्ट से ये मैं बता रही हूँ। पता नहीं क्या करना है, क्यों डाल दिया है, कुछ किसी का कोई आइडिया नहीं है, बट पढ़ते हैं। इसके बाद तो ये लास्ट सेमेस्टर है, लास्ट सेमेस्टर में ये सारे सब्जेक्ट इसके बाद नहीं होंगे, तो ये एक रिलीफ है। बट भाई क्या पढ़े भाई,
अभी जाती हूँ पहले तो मैं, तो हम लोग ना आज ना क्या हुआ था कि हम लोग बस से उतरे और रॉयल मार्ट चले गए थे, तो हम लोग ने बहुत कुछ सामान खरीद लिया क्योंकि हम लोग ना ऐसे बीच बीच में क्रेविंग होने लगता, तो कौन जाए बार बार खरीदे। पहले जहाँ रहते थे वहां पे रॉयल मार्ट जस्ट उतरो और ऐसे था, यहाँ पे वैसे नहीं है। तो हम लोग पास्ता, नूडल्स, अचार, सॉस और नमकीन और क्या क्या, हाँ इतना सब, हाँ ब्रेड, ये सब सारी चीजें ले आए और दूध का पैकेट भी ले आए थे। तो मैं अभी जाती हूँ फटाफट, अभी कॉफी नहीं बनाऊंगी, अभी मैं बनाऊंगी चाय। बिल्कुल इतनी अदरक डाल दूंगी ना कि बस मेरा दिमाग खुल जाए, आंखें खुल जाए और बैठ के फिर चाय वाय पीती और फिर बैठ के मैं उसके आंसर्स ढूंढती हूँ। यार ये वाला सब्जेक्ट हमारे ले रहा है बहुत अच्छी तरीके से, हम लोग को कुछ भी नहीं आता है, बट यही होप है कि बस हम लोग पास हो जाए इस सब्जेक्ट में, और इससे कुछ उम्मीद नहीं है हमको, कुछ भी नहीं है। बट अभी फटाफट जाती हूँ, पहले तो चाय बनाती हूँ, पीती हूँ, अपने आपको फ्रेश करती हूँ, सो वो कर दी दो। रेस्ट तो हो गया, रेस्ट जरूरी था भी क्योंकि हम लोगों की ऐसी आदत डल गई थी ना 9 बजे उठने की, 9:30 बजे उठने की, अब उठो 6:30 बजे तैयार हो, नहा धो के जाओ, तो ना थोड़ा वो वाला रूटीन आ रहा है कॉलेज वाला, तो उसके लिए रेडी होते हैं और फटाफट जाती हूँ अभी तो चाय बनाती हूँ और फिर पीती हूँ। और मैंने इतनी बार बोल दिया ना अभी जाती हूँ, मैं जा नहीं रही हूँ बट मैं अभी जाती हूँ। और खुशी अभी तक सोई रही है तो मैं उसको नहीं उठाती हूँ, उसको सोने देती हूँ, वो जैसे उठेगी तो वो भी चाय पी लेगी, तो मैं आधे क्वेश्चन आंसर ढूंढ लेती हूँ और आधे फिर वो ढूंढ लेगी, क्योंकि हम लोग का एक ही मतलब बिल्कुल कॉमन सब्जेक्ट है ये, जो स्टार्टिंग के चार बोल दो, स्टार्टिंग के चार थे बट एक शिफ्ट हो गया ना, तो ये सारे कॉमन है, बाकी तो लास्ट में दो अलग अलग है अपने अपने, हमारा जो डिपार्टमेंट है उसके क्वेश्चन है। तो ना गाइस, मैं खुशी को एक सरप्राइज के लिए लेके जा रही हूँ, वो बिल्कुल सो रही थी और मैं उसको नींद से उठा के लेके जा रही हूँ, और यहाँ पे बिल्कुल भी लाइट नहीं है, लाइट गायब हो गई है, तो वो आप लोगों को सरप्राइज पता चल जाएगा जब टाइम आएगा। ये तो बोलती कि तू मेरे साथ प्रैंक कर रही है, प्रैंक बना, अरे नहीं कर रही तू, चल तो मैं आप लोगों को मतलब क्या बोल रही हूँ, मैं खुद इतनी खुश हूँ ना कि जिस वजह से मैं थोड़ा वो हो जा रही हूँ, तो मैं नहीं बोल रही थी कि खुशी को मैं लेके निकल रही हूँ, कुछ सरप्राइज है, तो सरप्राइज का टाइम आ चुका है, तो सरप्राइज है 1 2 3 तो देखो गाइस, हम लोग का रीयूनियन हो चुका है, टन 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 फर्स्ट ईयर वापस आ गया, सही में हम लोग का जो पीजी वाला था वो वापस आ गया, तो वही चीज ना, हम लोग अभी अच्छे लोगों के फ्लैट आया था, हम लोग सब लोग बैठ के बात कर रहे हैं और वही सब हम लोग का रीयूनियन हो गया, तो इस समय मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि बस सब लोग वो एक फेस एंजॉय कर रहे थे इसीलिए, बट यही है सरप्राइज। और आप लोगों को जैसे पता है मेरे पेपर भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे लिए प्रेयर करें कि मेरे सारे पेपर अच्छे जाए। और अभी फिर से कुछ नोटिस या कुछ सुनने को ऐसा मिल रहा है कि यहाँ पे बैंगलोर में 1 हफ्ते की छुट्टी हो सकती है फिर से कावेरी वाटर के इश्यू को लेकर, बट आई होप सो आप उसके लिए प्रार्थना करें कि ना हो, क्योंकि पेपर हम चाहते हैं कि अभी बिल्कुल ऐसे ही कंटिन्यूसली हो जाए, क्योंकि हम लोग को और नहीं इसको डिले करवाना, इसलिए बस आप लोग से ये भी मैं विनती करती हूँ कि इसके लिए भी प्रेयर करें कि मेरा पेपर कंटिन्यूसली हो जाए और सारे पेपर अच्छे जाए मेरे। दिमाग मेरे में है नहीं बट मेरे को थोड़ा दिमाग चाहिए पढ़ने के लिए। तो आज का रीयूनियन और सरप्राइज हो चुका है रिवील, तो यही चीज था, खुशी ऐसे बोलती कि नहीं तू प्रैंक कर रही है, प्रैंक के लिए लेके जा रही है, इतनी दूर में तेरे को चलवा के प्रैंक के लिए क्यों लेके जाऊंगी करके, देयर इज अ सरप्राइज फॉर यू। तो फाइनली उसको मैंने दिया, फिर हम लोग गए अच्छू तुर्ती कर और वहां पे बैठ के बहुत बातें करी, उससे पहले रॉयल मार्ट में भी बहुत बातें करी थी, तो उस समय मैं शूट नहीं कर पाई जस्ट बिकॉज हम लोग अपने टाइम ले रहे थे, अपने बातचीत कर रहे थे इसी चक्कर में। तो मस्त हम लोगों का पूरा रीयूनियन हो चुका है, बिल्कुल वो जो पीजी वाला था ना 905404 वो वाला बिल्कुल। और फिर हम लोग उस समय मैं आप लोगों को बोली थी क्वेश्चन आंसर ढूंढने जा रही हूँ, उस समय नहीं ढूंढा था क्योंकि हम लोग को बाहर जाना पड़ा मिलने के लिए, इसीलिए अभी आके मैंने खोला। मैं बहुत देर तक फोन यूज कर रही थी, मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि खोल के देखूं, बट मैंने चलो फाइनली खोल के देख लेती हूँ, एटलीस्ट सुबह उठ के ये तो नहीं होगा कि बैठ के सर्च करिए, एटलीस्ट सुबह उठ के आइडिया रहेगा कि कहाँ पे क्या क्या सारी चीजें हैं, तो फटाफट जाओ लर्न करो और लिख लिख के पूरा रिवाइज कर लो। तो वही सब हो रहा था, तो अभी मैंने खोला, कुछ कुछ क्वेश्चंस मिल गए, मतलब कुछ कुछ क्वेश्चंस तो बिल्कुल डायरेक्ट है और मेरे को पता है कहाँ कहाँ है वो तो मिल चुके, बट कुछ कुछ तो जूम ढूम पता नहीं कहाँ कैसे क्या बोलते हैं, पेंटिंग्स ऑफ वेस्ट, वेस्ट का क्या पेंटिंग बताऊं, वेर इज ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, हाँ क्या मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ना
कि बहुत दिमाग खराब हो रहा है। तो जो हिस्ट्री से रिलेटेड है उसमें तो मेरा बहुत बहुत माथा पच्ची खराब होने वाला है, बिकॉज आई एम नॉट गुड एट ऑल इन हिस्ट्री। बट बाकी सब तो मैं कर लूंगी, हिस्ट्री का मैं देखूंगी, रट्टा मारूंगी, रट्टाफिकेशन करूंगी बाकी। और मैंने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए जो जो मेरे को पता है कि कहाँ कहाँ क्या है, तो अभी फालतू लिख के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसको मेरे को फिर से पढ़ना होगा, फिर से अच्छे से लिखना होगा। तो मेरे को पता है कि अभी कहाँ कहाँ कौन से पीडीएफ में क्या क्या है, तो कल सुबह उठूंगी, स्टार्ट करूंगी और डायरेक्ट टिक पढ़ते जाएंगे। अगर एक क्वेश्चन हो गया तो उस पर टिक, दूसरा तो उस पर टिक, तो फटाफट उठूंगी, एक क्वेश्चन निकालूंगी, उसको फटाफट याद करके लिख के रख दूंगी साइड में, और सुबह सुबह फिर रिवाइज हो जाता है, या तो रात में जब टाइम मिल जाता है तब रिवाइज हो जाता है। तो फाइनली आधे क्वेश्चंस मिल गए, दो मार्क्स के तो पता ही है, दो मार्क्स का अगर आप 6 या 8 मार्क्स वाला कवर कर रहे हो तो ऑफकोर्स उसमें दो मार्क्स वाले तो आने ही आने हैं, तो वो तो हो जाएगा। बट 6 और 8 में बहुत ऐसे ऐसे क्वेश्चन है कि बहुत बिल्कुल यू है यू, तो अभी देखते हैं कि वो कब कैसे मिलता है, या तो मैं किसी से पूछूंगी यार बता दो यार ये सब नहीं आ रहा मेरे को, या तो फिर खुद ढूंढ के फिर खुद पढ़ते हैं, अभी देखते हैं जैसा भी होगा करके। तो ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे खत्म करती हूँ गाइज, आई होप यू ऑल लाइक इट, सो प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा वो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर ले, ये मेरी आपसे विनती है।